डंडी से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। डंडी प्रखंड के जरही में पूर्व विधायक ने मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। डंडी थाना क्षेत्र के जरही निवासी मृतक नवल चौधरी के घर पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव रविवार को पहुंचे और मृतक के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने मृतक मजदूर के परिजनों को सरकारी सहायता मुहैया कराने तथा हर संभव सहयोग करने की आश्वासन दिया। जानकारी के अनुसार मृतक नवल चौधरी उम्र लगभग 35 वर्ष का बुधवार को गोवा राज्य में मजदूरी का काम करने के दौरान मौत हो गई थी। बताया गया कि मृतक जीएमआर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मोपा एयरपोर्ट प्रोजेक्ट साइड पर काम कर रहा था। काम करने के दौरान दीवार गिर जाने से वह चपेट में आ गया और उसकी स्पॉट पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना पाकर पूर्व विधायक अनंत प्रताप देव रविवार की दोपहर मृतक के घर पहुंचकर ढांढस बंधाया। मौके पर प्रदीप कुमार सिंह, अमरनाथ पांडे, प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, प्रखंड उपाध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद, उप प्रमुख प्रतिनिधि सह जेएमएम नेता रामाशीष प्रसाद, पचौर पंचायत पंचायत सदस्य समिति प्रतिनिधि संतोष कुमार सिंह सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। आज 17 मार्च वीडियो दिया है ना? हाँ वीडियो दिया है। इनके घर में हम ही लाके जी वाला गए वीडियो सर का बहुत बार फोन किया, बोले फोन भी नहीं रिसीव कर रहे थे उस समय, फोन भी रिसीव नहीं कर रहे थे। फिर रात से हमने कहा तो आप वीडियो साहब को बोले, तुरंत हमारे पास फोन आया कि संजय जी सामान लगे पहुँचा दिए, चावल 50 किलो सहयोग किया है बेचारा। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन, बीपी प्लाजा के बगल में मेन रोड गरवा, यहाँ मिलता है सभी कंपनियों का सेकंड हैंड लैपटॉप, वो भी वारंटी के साथ और मूल्य बिल्कुल आपकी बजट में। साथ ही यहाँ लैपटॉप रिपेयर भी किया जाता है, तो देर ना करें। अगर आपको भी है सेकंड हैंड लैपटॉप लेना, वो भी अच्छा कंडीशन में, जांचा परखा हुआ वारंटी के साथ, तो अभी संपर्क करें। गुप्ता आईटी सॉल्यूशन, बीपी प्लाजा के बगल में मेन रोड गरवा। विशेष जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें।